एक 5 साल का बच्चा पुलिस स्टेशन पहुंचा शिकायत लेकर और रोती हुई आवाज में, अपनी तोतली आवाज में उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि आप मेरी कंप्लेन लिखें, मेरे पापा को जेल में बंद कर दें। ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 5 साल है, ये अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी दर्द भरी आवाज से और तोतली आवाज से पुलिस अधिकारी को ये कहता नजर आया कि आप मेरे पापा को जेल में बंद कर दें। अब रीजन क्या था जेल में बंद करवाने का, क्यों ये लड़का अपने ही महज 5 साल का बच्चा क्यों पुलिस स्टेशन गया अपने पापा की कंप्लेन लिखवाने, ये मैं आपको बताऊंगी। इस खबर को ध्यान से सुनिए और हैरान कर देने वाली ये खबर है। अटपटी जरूर लगेगी आपको ये खबर, क्योंकि ये जब हमने भी ये खबर सुनी तो कहीं ना कहीं हैरानगी हुई ये जानकर कि आजकल जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। एक समय था जब माँ बाप बच्चों को पुलिस का डर दिखाकर खाना तक खिला देते थे। कोई भी काम बच्चों से करवाना हो, चाहे वो स्कूल भेजने का है, चाहे वो होमवर्क कम्प्लीट करने का है, ये डर बच्चों को दिखाते थे कि पुलिस के कम्प्लेन करा देंगे या तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज देंगे, ये काम जल्द से जल्द कर लो, और बच्चे कर भी लेते थे। पर जहां आज एक और जमाना जो है 5G 6G तक पहुंच गया है, जमाना बदल गया, एडवांस हो गया है, वहीं पर बच्चे भी एडवांस हो गए हैं। और एक ये बच्चा छोटा सा रोते बिलखते जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस अधिकारी से कहता है, SHO से कहता है कि मेरी कंप्लेन लिख लें, मुझे अपने पिता के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। जब पुलिस अधिकारी ने ये चीज सुनी, पुलिस अधिकारी भी हैरान हुआ कि एक महज 5 साल के बच्चे को क्या मुसीबत हो सकती है कि ये अपने पिता के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आ गया। जब पुलिस अधिकारी ने रीजन पूछा कि क्या रीजन है, तुम क्यों कंप्लेन लिखवाना चाहते हो, तो बच्चे ने जो रीजन बताया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पूरा पुलिस स्टेशन ये खबर सुनकर हैरान हो गया। पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं ये रीजन सुन के हैरान हो गया कि उसे क्यों अपने पिता की कंप्लेन लिखानी है। तो दरअसल बात ये है कि उसने कहा, मेरे पिता मुझे नदी किनारे नहीं जाने देते, इसीलिए वो उनसे खफा है। और ये भी कहा कि मुझे सड़क पर भी नहीं घूमने देते, मेरे पिता ना तो मुझे सड़क पर घूमने देते हैं, ना अकेले बाहर जाने देते हैं, ना मुझे नदी किनारे जाने देते हैं, ना मिट्टी के साथ खेलने देते हैं। और भी कई ज्यादा रीजंस हुए वो उसने रखे, ना मुझे ज्यादा देर मोबाइल चलाने देते हैं। हालांकि उस बच्चे की उम्र महज अभी 5 साल है, और 5 साल के बच्चे को इतने गिले शिकवे अपने पिता से होने लगे। बच्चा कहता है कि मुझे मेरे पिता सड़क पर अकेले निकलने नहीं देते। अब इसका सवाल साफ साफ ये है, इसका जवाब साफ साफ ये है कि महज 5 साल का बच्चा है, सड़क क्रॉस करना तक नहीं आएगा, पेरेंट्स कैसे उसे अकेले सड़क पर निकलने दें। पर बच्चा इस चीज से खफा होकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया, कंप्लेन करवाई, और इतना ही नहीं सिर्फ कंप्लेन कराई बल्कि पुलिस अधिकारी को ये भी कहा, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पापा को अरेस्ट कीजिए और जेल में बंद कर दीजिए। देखिए हैरानगी वाली खबर है, और इस समय हर कोई ये खबर सुनकर जो है वो हैरान हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये दरअसल वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि जब ये छोटा बच्चा जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, इसने पुलिस अधिकारी से बात की, तो वहीं पर किसी ने इसकी वीडियो बना ली, और ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि बच्चे का फेस हम आपको नहीं दिखा पाते, इसीलिए हमने वो वीडियो शो नहीं की है आपको, पर मैं आपको ये बता दूं, इस बच्चे ने जो रीजंस दिए कि मेरे पिता मुझे नदी के पास नहीं जाने देते हैं, पानी में अकेला नहीं खेलने देते हैं, सड़क पर नहीं निकलने देते हैं, और मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हालांकि उसकी उम्र 5 साल की है, पर बच्चे को लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे पिता मुझ पर रोक टोक कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, और मुझे अब खुद से कुछ करना चाहिए, इसलिए वो ये कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। हालांकि पुलिस अधिकारी इस कंप्लेन को सुनकर जरूर हंसे, और उस समय थाने में जितने भी लोग मौजूद थे वो भी इस खबर को सुनकर हंसे, पर वो बच्चा अपनी तोतली आवाज में आंखों में आंसू लिए ये कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग किस तरह से देखते हैं जो बच्चा कंप्लेन लेकर पहुंचा है, क्या ये कंप्लेंट सही है, क्या इस तरह की कंप्लेंट्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोगों का इस पर क्या कहना है। मैं आपको बता दूं, ये खबर जो है वो धार की निकलकर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के धार से सामने आ रही है, जो मैं आप तक रख रही हूँ। आप लोग एक बार अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या कहना है इस पर आपका है। आगे के अपडेट्स के लिए देख रहे हैं अर्ली टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत।